हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने बालकनी गार्डन में कोलियस के प्लांट कटिंग से लगाने जा रही हूँ। ये कोलियस के प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। कटिंग लगाने के लिए मैंने लिया है कोकोपीट। मैं जब भी कोई प्लांट लगाती हूँ तो कोकोपीट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि बालकनी में ज़्यादा वेट ना हो और गार्डन सॉइल। तो मैं ये मिट्टी और कोकोपीट अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये मैंने अलग अलग कलर के कोलियस के कटिंग लाए हैं, तो ये छोटे से पॉट में मैं उसको लगाऊंगी। ये छोटे छोटे पॉट मैंने कटिंग लगाने के लिए तैयार किए हैं। पहले तो मैं ये नेट वाला छोटा सा पॉट मिलता है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इसमें हम लोग कटिंग भी लगाते हैं, सीड भी ग्रो कर सकते हैं। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उस पॉट को अच्छे से होल होने चाहिए, क्योंकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। ये देखिए, ये छोटे से पॉट में मैंने ये कटिंग लगाई है। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी तब मैं उसको बड़े से पॉट में रिपॉट करूँगी। मैं ये चार प्रकार के कोलियस के कटिंग लाई हूँ, मैं उसको अभी लगाने वाली हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं बहुत सारे प्लांट्स कटिंग से ही लगाती हूँ। जब भी हम कोई प्लांट्स कटिंग से लगाते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है तो बहुत खुशी होती है। ये कोलियस के प्लांट मुझे बहुत पसंद है। ये कोलियस के प्लांट लगाने के लिए हम लोगों को ना ही किसी नर्सरी में जाने की ज़रूरत है और पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसानी से लग जाते हैं। इसके पत्ते इतने कलरफुल होते हैं कि हमारे गार्डन की शान बढ़ाते हैं। देखिए ये कलर तो कितना मस्त लग रहा है। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, थोड़े दिन इसको मैं छाँव में ही रखूँगी। मेरी बालकनी बहुत छोटी है, फिर भी मैंने इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। ये सब कटिंग्स मैंने जो घर में छोटे छोटे डब्बे पड़े थे उसमें ही लगाए हैं। देखिए ये लगाए हैं मैंने अपने कटिंग्स। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।